उपस्थित सभी भाइयों बहनों दोस्तों, 145 विधानसभा मीरा भयंदर विधानसभा का मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, सब आप लोग जानते होंगे। 21 अक्टूबर को ये चुनाव होने जा रहा है और मैं आप लोगों से विनंती करने आया हूँ कि आप लोग अपने भारी मतों से, वजनदार मतों से, इसलिए देखिए दोनों बहनें हमारी वजनदार, बीच अगर नाव के दोनों तरफ वजन है हम लोग बीच में आराम से बैठ सकते हैं, अपने भारी मतों से मुझे हाथ के पंजे पे बटन दबा के मुझे जिताइए। पहले मैं अपने स्वार्थ की बात करूँ, बाद में तुम्हारे उस पर आऊंगा। और आपके जो सर्वसामान्य व्यक्ति हैं, कॉमन मैन संतोष बनौली, वो खुद ही बहुत ही लर्नड पर्सन है, बहुत ही डिसिप्लिन से और सिस्टम से और लीगल वे में काम करने वाले व्यक्ति हैं, और जो लोगों के लिए लड़ाई वो लड़ रहे हैं उसमें हमारा पूरा साथ, उनको मार्गदर्शन जब जब उन्होंने मांगा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दी है हमने, मेरे वकील की फीस बाकी है मेरी, तो आने वाले समय में भी हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा, तो जो लोगों की आवाज होगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और आपको जब भी आप हमारा सहकार्य जहां भी मांगोगे हम आपके साथ, आपको अब हमको अपने साथ पाओगे, ये एक लाइन ही उसमें सब कुछ आ जाता है। तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जनता की समस्या है, वो तो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये बात अलग है कि एक व्यक्ति ने समस्या क्रिएट किया है, खड़ी किया है, मगर उसको हल करना ये हमारा, आपको साथ देना, कायदे से आपकी मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, और वो हम लोग करेंगे। विधानसभा के इस चुनाव में हमने अपना जाहिरनामा वचननामा आप तक को पहुंचाया है, मिल गया है क्या आप लोगों को मैनिफेस्टो हमारा, मिल गया है आप लोगों को? यस यस जी सर, यस। उसमें जो पिछले 5 सालों में शहर में काम नहीं हुए हैं और जो मुझे लगता है कि जो होना पर निहायत ही जरूरी है, जिसमें 63 लाख का हटाना है, आवाज बंद करो, जिसमें 63 लाख का हटाना है, 63 लाख का हटना चाहिए या रहना चाहिए? मीरा रोड से लोकल शुरू करनी है, होनी चाहिए या आनी चाहिए? भयंदर महिला स्पेशल ट्रेन बढ़ना चाहिए, बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए? भयंदर से लोकल ट्रेन बढ़नी चाहिए। आप तो गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया है, कचरे का डबल टैक्सेशन आप पे किया हुआ है, वो हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? पानी आपको घंटा पहले आ रहा था, 5 साल पहले, तो शायद अभी आधा घंटा आता है, और पानी का बिल आपको 7 रुपये से 14 रुपया हो गया है, तो पानी पूरा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसी तरह शहर के और भी जो सारे अगर काम है, कोर्ट है, पुलिस कमिश्नरेट है, मेट्रो का तो खाली ड्रामेबाजी चल रही है, आप लोगों को पता होगा कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के टाइम पे मुख्यमंत्री साहब ने बोला था कि मीरा भयंदर में हम मेट्रो 2019 तक चालू कर देंगे, सुना था आप लोगों ने वो भाषण? हाथ उठा के बताइए किस किस ने सुना था। और उसके बाद मैंने कहा था कि 2019 तक ये मेट्रो चालू होने वाली नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन का स्टंटबाजी है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मेट्रो 2019 में चालू हो जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सुना था मेरा भाषण? तो मैं सही था कि 2019 तक मेट्रो चालू नहीं हुई, और अभी जब चुनाव आया तो फिर से एक बार ड्रामा चालू हो गया कि भाई मेट्रो आ गई। मेट्रो के होर्डिंग के ऊपर जिसकी फोटो है वो आदमी पार्लर में रहता है, मगर मेट्रो मीरा भयंदर में चालू होगी तो उसको गर्व है। आपको प्लेग्राउंड आपके बच्चे, आपके बच्चे लोगों को और सीनियर सिटीजन को आपका प्लेग्राउंड मिला नहीं है, मगर फिर भी उनको गर्व है। बोर्ड लगा है ना, होर्डिंग लगी है ना बच्चे की तस्वीर के साथ कि हमें प्लेग्राउंड मिल गया है, मुझे गर्व है, लगी है ना? लगी है, लगी है।
आपके घर में गैस की पाइपलाइन है या शांति पार्क में, तो चूल्हा फूकते आप लोग, लकड़ी चलाते हैं। तो जो महिला की जो होर्डिंग में तस्वीर लगी है कि मेरे घर में गैस आ गया, मुझे गर्व है, वो 20 महीने के टावर में रहती है। तो जितनी होर्डिंग लगी है मुझे गर्व है, तो मुझे गर्व है, ये जो गर्व अर्थात ये अहंकार है, अहंकार, उसके बदले में उन्होंने लिखना चाहिए था मुझे खुशी है कि मैंने शहर के अंदर ये सारे काम किया, मगर अहंकार है। आपने तो देखा है उस व्यक्ति का अहंकार कितना है, किस तरह से आप लोगों के साथ बर्ताव हुआ है। पूरे शहर में भ्रष्टाचार और अन्याय का माहौल बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना है? गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, महापालिका 750 करोड़ रुपए के कर्जे में चले गए 5 साल में, हम लोगों ने 35 साल यहाँ पे जो है सत्ता चलाई है, और 35 साल उन्होंने चलाई है, मगर कोई ये नहीं कह सकता कि किसी पर हमने अन्याय किया, कोई ये नहीं कह सकता कि मुजफ्फर साहब आपने प्रचार किया, किसी को तकलीफ दी, तो ठेले वाला हो, रिक्शा वाला हो, फैक्ट्री वाला हो, इंडस्ट्री वाला हो, मकान वाला हो, दुकान वाला हो, जमीन वाला हो, स्टोर एजेंट हो, बिल्डर हो, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पिछले 30-35 सालों में हमने किसी को तकलीफ दी, परेशान किया या किसी को ज्यादती करी, कह सकता है क्या कोई? अगर 5 साल में ये शहर का हर आदमी ये बात कहता कहता है ना, तो इसी भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ में मैं लड़ाई लड़ने के लिए उतरा हूं। मेरे जाहिरनामे में मैंने जो 30-35 साल में काम किया है, आप में से कई लोग इस बात को जानते हो, अब हमने लिख करके ही आपके सामने भिजवा दिया है, रास्ता, वाटर, गटर, मीटर, स्मशान, कब्रस्तान, बरेल ग्राउंड, लाइब्रेरी, मॉल ग्राउंड, हॉस्पिटल, प्ले ग्राउंड, चौपाटी, जैसलबाग चौपाटी, रेलवे, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला, चाहे पीएसटी की बस हो, चाहे एसटी हो, थाने की बस हो, पीएमसी की बस, अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी की व्यवस्था हो, आप बोलिए वो काम 30-35 साल में अगर जो शहर में आपको दिखता है वो हम लोगों ने किया। अगर 5 साल में कोई चीज अपनी जगह से हिली नहीं, आपके बीच में तो वो कभी आएगा नहीं, आमदार कभी आप लोगों के बीच में आएगा नहीं, अगर कहीं आए तो जरूर जाके पूछिए कि आपका 5 साल पहले का वचननामा लाइए और हमको ये बताइए इसमें से कौन सा काम आपने किया, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आज ही हम सेक्टर नंबर 3 में थे सृष्टि में, वहां लोगों ने पूछा भाई टोल नाका क्यों नहीं हटा, मैं भी बैठा था, तो बोलने लगे कि कांग्रेस की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरे के झाड़ मत काटिए, मगर उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की बात को ओवर रूल करके आपने जाके आरे की झाड़ काटा, तो कॉन्ट्रैक्ट बना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना था, क्या बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट बना था? तो किया ना, मगर इन लोगों ने काटा ना झाड़ कि नहीं काटा? तो जहां जनता की आवाज है वो आवाज बड़ी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन ही दिखता है उसको तो कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा लगेगा। ये शहर में 25% कोई व्यक्ति खाता है मालूम है, नाम मालूम है, व्यक्ति मालूम है, और वो 25% महापालिका नहीं है, तुम्हारे जेब का पैसा है, आपके टैक्स के पैसे में से पैसा जाता है। कभी सोचा है आपने 750-750 करोड़ रुपए का क्लब कैसे बन गया, 750 करोड़ रुपए म्युनिसिपैलिटी नुकसान में कैसे चले गई? मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं, विधान परिषद में 9 साल, और पहले 5 साल में ही मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, बेस्ट स्पीकर का, मगर मैंने कभी वोट नहीं लगाया, मुझे गर्व है, मुझे खुशी थी कि मुझे मिला, मेरे काम पर मिला, मगर इनको पहले ही 5 साल में हाईकोर्ट ने बोला इसके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल कर। आपको गर्व है इस बात का? आपको गर्व है कि शर्म महसूस होती है?
आपके रिश्तेदार दोस्त जो शहर में रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, आपको कभी तो पूछते होंगे अरे आपके यहाँ के विधायक के ऊपर केसेस है, 22 क्रिमिनल केसेस है, ऊपर से आज कहीं पे बोल रहे थे अरे मेरे पे 22 क्रिमिनल केसेस है, लेकिन वो छोटे मोटे है। अब केस तो केस ही होते हैं, चाहे किसी को लपड़ मार दो या पाकिट मारो या डकैती करो या गला काट दो, केस तो केस है, गुनाह तो गुनाह है, चाहे एक हो के सौ, गुनाह गुनाह है। असेंबली के अंदर जिसने कहा मेरे पे एक केस नहीं है, अभी एफिडेविट जो फाइल हुआ उसमें 22 केस। असेंबली में कहा 7-11 मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, अभी जब एफिडेविट फाइल हुआ तो माल की इतनी दिखाई, 250% तो संपत्ति 5 साल में बढ़ गई, 250%। कहां से कैसे? ये अन्याय और भ्रष्टाचार के माध्यम से, अन्याय और भ्रष्टाचार के माध्यम से। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, खुद की धन संपत्ति बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, खुद के इल्लीगल काम को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में से जो अपक्ष लड़ रही है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रही है, उसको हराने के लिए लड़ रही है, मगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए। इस शहर में से भ्रष्टाचार और अन्याय खत्म करने के लिए लड़ रहा हूं, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं थी। 9 साल असेंबली में रह चुका हूं, 3 बार कॉरपोरेटर, 1 बार डिप्टी मेयर, प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर, 8 महाराष्ट्र कांग्रेस का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट, कोई जरूरत नहीं थी। मगर जब मैं 3 साल बीमार था, आपके ये बेंकुल विलेज के सारे लोग मेरे पास आए थे, संतोष भाई भी उस मरतबा आए थे, सिंह भाई भी आए थे, सभी पटेल भी आए थे आपके यहाँ के, और मैं बहुत नाराज भी हुआ था इनसे। मैंने कहा था कि आप लोगों ने ही चुन के दिया, वोट दिया, अब भुगतिए। मगर उसी वक्त में लोग मुझसे हमेशा मिलते रहे और मेरे से शहर के लोग आकर के कहते रहे कि साहब आपको आने वाले समय में हमको इस अन्याय से बचाना पड़ेगा, आपकी सेहत के चलते या अदरवाइज आप पॉलिटिक्स से थोड़े से अपने आप को दरकिनार आपने किया है, मगर आपको जनता की आवाज के लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों की शिकायत और परेशानी सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा और लोगों के हक के लिए लड़ूंगा। 30-35 साल में हमारे ऊपर कोई आरोप, प्रत्यारोप, गुंडागर्दी, बदमाशी, करप्शन ना हमारे पे, ना हमारी मदर पे, ना हमारे पूरे परिवार पे किसी प्रकार का आरोप लांछन कभी लगा नहीं। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन, ये पॉसिबल होता नहीं है, ये पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन हम राजनीति में कोई सत्ता भरने के लिए, एमएलए बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हमने ये शहर बनाया और इस शहर का हर नागरिक को हम अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, और इसीलिए इस शहर के अंदर सर्वधर्म समभाव का वातावरण बना हुआ है। चाहे कितने भी हिंदुस्तान में कुछ भी हुआ हो, लाड़ो प्रॉब्लम हुई हो, दंगे हुए हो, चाहे 84 में या 91 में या उसके बाद में ट्रेन ब्लास्ट हुआ हो, मगर मीरा भयंदर में हमेशा अमन और शांति रही है। आप हट जाना उसके सामने, मीरा भयंदर में हमेशा शांति रही है। उस कम्युनल हारमोनी का स्वरूप हमने एक बनाया, स्मशान, कब्रिस्तान, परेड ग्राउंड, जॉगर्स पार्क, बाजू बाजू में पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बताइए कि आपको इस तरह से कम्युनल हारमोनी की कोई मिसाल मिलती हो। मैं बताता हूं, अब तक जाति पर्सनल पैसे मैंने 2000 में 6 करोड़ रुपए लगा करके बनाए, आज तक कभी हमने लोगों को बताया, कभी हमने बोर्ड लगाया, मुझे गर्व है। कभी 2000 में 6 करोड़ रुपए की अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी होती तो 600 करोड़ रुपए मेरे पास होते, मगर हमने इस समाज को इकट्ठा रखने के लिए, एक शहर को सभी लोगों को इकट्ठा रखने के लिए मिसाल कायम करी। आज वहां पर जो हमने काम किया था, हमारे नाम निकाल दिया जा रहा है, बोर्ड निकाल दिया जा रहा है, उसका 20 साल तक के जो हमने उसको मेंटेन किया था, हमको मेजोरिटी के बेसिस पे काम हमारे से हटा दिया गया है। हर महीने 5 लाख रुपए हमने खर्च किया 20 साल तक, मालूम था कभी किसी ने?
हमने कभी बोला किसी को, हमने कभी बोर्ड लगाया, हमने कभी मीडिया में इंटरव्यू दिया, या कभी न्यूज़पेपर वालों को बोला के बताया, या कभी सोशल मीडिया में बताया, नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी मर्जी से किया था, लोगों के लिए किया था, उसके लिए उसके वजह से हमको वोट नहीं चाहिए था और आज भी नहीं चाहिए, आज भी नहीं चाहिए। समाज को संगठित रखने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता रखनी पड़ती है, तब जाके समाज को आप संगठित रख सकते हो। अरे आदमी अपने घर को संगठित नहीं रख पाता है, हमने तो पूरे शहर में पूरे समाज को संगठित रखा है। इसने क्या किया 5 साल में? तुम मारवाड़ी जैन हो, तुम गुजराती जैन हो, तुम दिगंबर हो, तुम क्षेत्रंबर हो, तुम बनिया हो, तुम अनुप हो, तुम धनुख हो, समाज समाज को बांट दिया है, हर समाज को बांटा है। ये शहर में आपके शांति पार्क में पूरा मीरा रोड में जितने धर्म स्थल बने हैं हर एक को मदद का काम हमने किया है, मगर हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया कि हमको गौरव है। चाहे शांतिनगर का जैन मंदिर हो, दर्शन में मूर्ति हमने भराई है 95 में। बताया कभी बोला चर्च बने हैं हर जगह, हर धर्म स्थल में मदद हमने किया है, मगर कभी उसका राजनीतिकरण नहीं किया। तो इसलिए जो शहर के अंदर का माहौल बिगड़ा है उसको हमको सही करना है, उसको सुधारना है, और ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जनता की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, करप्शन और इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहा हूं। मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से, मेरे इस लड़ाई में आपका साथ मुझे जरूरी है, आपके साथ हमको जरूरी है। इस शहर को जो नर्क का स्वरूप बनता जा रहा है, बकासुर का स्वरूप बनता जा रहा है, उससे हमको बचाना है, यही मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूं। मेहरबानी करके ये चुनाव इस शहर के लोकप्रतिनिधि का चुनाव है, दिल्ली का नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं है। यहां पर कौन व्यक्ति आपका प्रतिनिधित्व करने वाला है उसका चुनाव है। यहां ये व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति को देख के फैसला कीजिएगा। आने वाले 21 तारीख को कांग्रेस के हाथ के सिंबल पे बटन दबा के मुझे बहुमतों से चुनके भेजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।